ये तो पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरह हंटिंग करनी है, उससे पिछली वीडियो में भी हंटिंग ही हमने सीखी थी। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग की सीखेंगे, बहुत ही इजी है सोर्सिंग करना भी। आपको एक तरीका नहीं, दो तीन तरीके सोर्सिंग के भी बताऊंगा। तो मुझे ये टेक्स्ट में बताएं, मैसेज में बताएं, पिछली प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड को किस तरह कंपेयर करना है, ब्रांड से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये आपको समझ आ गया या नहीं आया, ये मुझे मैसेज में बताएं। जी तो हमारा है आज का लेक्चर है किस तरह हम सोर्सिंग करते हैं वो फेसबुक के जरिए। सबसे पहले तो आपने फेसबुक ओपन कर लेनी है। फेसबुक आपने मेन्यू टाइम में अपनी फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं फेसबुक लॉगिन ही नहीं मैंने की हुई, देखता हूँ लॉगिन है या नहीं। नहीं, इधर मैं अपनी फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। जी, स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ, मुझे बताएं टेक्स्ट में। जी, स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, आपने फेसबुक ओपन कर लेनी। सबसे पहले आपने फेसबुक में आ जाना और सोर्सिंग का तरीका आज हम जानेंगे किस तरह करते हैं। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा जहां से आप, आपको मैंने कहा ना आपको दो तरीके, दो तरह की ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा किस तरह हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग। एक हम करेंगे जो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं खुद वो करेंगे, और एक करेंगे जो कल आपको बताया था HSC के जरिए, HR के जरिए और मरकज के जरिए, वो भी ड्रॉप शिपिंग होती है। मरकज, HR और HSC पर आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप बिजनेस करना चाहते हैं हाई लेवल पर तो आपको बाय करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने दो दो तरीके आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। आप कभी भी ये करना चाहे या अभी भी आपने करना है ये बिजनेस तो आप कर सकते हैं। दो तीन आज तरीके हम जानेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप जाएं यहाँ पर, हम एक तरीका तो ये है सिंपल, आप जाएं वहां पर शालम में, जाए लाहौर में रहते हैं तो शालम मार्केट में जाएं, कराची में रहते हैं कोई भी आपके सिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं ना वहां पर कोई मार्केट है ना, तो आप वहां से प्रोडक्ट बाय कर लें। सबसे पहले हंट करें प्रोडक्ट, उसके बाद आप उसका सोर्स के लिए ना मार्केट जाए, वहां पर प्राइस देखें, अगर आपको प्राइस सस्ती मिल जाती है तो आप वहां से बाय कर लें और सेल कर लें प्रोडक्ट। सिंपल है। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आपको घर बैठे प्रोडक्ट चाहिए तो वो सिंपल आपको मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उससे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसे कहना भाई है मुझे प्रोडक्ट चाहिए और वो आपको देगा, डिलीवरी चार्जेस लेगा जिस तरह होता है, तो वो आपको प्रोडक्ट आपके घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, ना ही आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। तीसरा तरीका ये है कि हम फेसबुक के जरिए हंट करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं वहां पर भी नहीं मिलती आपको, जो मैं आपको नंबर सेंड करूंगा उससे भी नहीं मिलती, तो आप सिंपल यहाँ ये एक तरीका ये भी है फेसबुक के जरिए। सिंपल आपने आ जाना सर्च बार में आ जाना और यहाँ पर आपने टाइप करना है द्राज ग्रुप, द्राज होलसेलर ग्रुप। द्राज होलसेलर ग्रुप आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने जो भी आपको ग्रुप नजर आएंगे ना होलसेलर, आपने सारे के सारे ग्रुप ना ज्वाइन कर लेने हैं। ये चेक, ये इसे हम ज्वाइन फॉलो करते हैं और उसके बाद हम इस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। हम इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं और ये एक है और दराज होलसेल प्रोडक्ट, इसे भी हम फॉलो कर लेते हैं, इसे भी हम न्यू टाइम में ओपन कर लेंगे। और ये प्रोडक्ट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चाहिए ना तो आपने सिंपल चले जाना है, ये देखें इस तरह आपने ग्रुप में जाना, ग्रुप में जाने के बाद इस तरह आपने टेक्स्ट कर देना है ये प्रोडक्ट किसी भाई के पास पड़ी हुई है होलसेल रेट में तो कांटेक्ट करें, इसे ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसने ये मैसेज किया है ना, और इसने ऊपर अपना टैक्स वगैरह लिख दिया, नीचे इसने प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर कर दी ग्रुप में और 41 बंदों ने इसे मैसेज रिप्लाई किया है। ये आप मैसेज चेक कर सकते हैं, अवेलेबल अवेलेबल है। इसी तरह ही अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट चाहिए ना आप ग्रुप में आए दराज वाले ग्रुप में, और सिंपल यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सीखते हैं, यहाँ पर आ गए दराज में, ये तो इनका अपना ग्रुप है, यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ये ग्रुप है। और ग्रुप में आने के बाद सिंपल आपने जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना आपने आ जाना यहाँ पर, इन्होंने दिए, इन्होंने भी नहीं दिया हुआ, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ कोई कोई कर ले यहाँ पर। मैं हम न्यू और कोई ग्रुप देख लेते हैं, ये ग्रुप है ना, हम इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं।
इस ग्रुप को ओपन करने के बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देख लेते हैं कौन सा ग्रुप में हमें शो होता है। तो यहाँ पर कोई मैसेज करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता है, लेकिन मोबाइल पर आ जाती है समझ। यहाँ पर और कोई हम ग्रुप देखते हैं। इसी तरह ही आपने ना ग्रुप फाइंड करने के बाद मोबाइल पर ना इजी हो जाता है। मैं आपको ना मोबाइल पर 1 मिनट दिखाता हूँ, अगर मोबाइल पर हो ना लैपटॉप में समझ नहीं आ रही, मोबाइल में इजी हो जाता है जब आप कोई भी ग्रुप, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं ना आ रहा, अगर जब भी आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो वहां पर आपको ऑप्शन शो हो जाता है कि इस ग्रुप में मैसेज करने के लिए। यहाँ पर मैसेज मैसेज शो ही नहीं हो रहा, तो है इजी। इसी तरह ही आपने ना ग्रुप में चले जाना मोबाइल पर, इजी है वो, मोबाइल पर ही हम मीटिंग रख लेंगे। तो इसी तरह ही ना आपने ग्रुप में चले जाना, ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर आपने जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना उसका आपने टाइटल लिखना है, भाई ये प्रोडक्ट है, ये मुझे इतने इतने पीस चाहिए होलसेल रेट पर। और आपको ना नीचे जो भी हो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है सलाम। सब खैरियत से होंगे भाई। जी सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जरा कहीं गया हुआ था तो मैं अभी पहुंचा हूँ। तो काइंडली जरा थोड़ा सा बता दें, क्या बता रहे थे अभी भाई, थोड़ा सा रिवाइज कर दें। यही बता रहा था कि किस तरह फेसबुक से आप सोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट। आपको मैं एक नंबर भी दूँ, शेयर करूंगा आपके साथ, आप वहां से भी अपना जी, आपको नंबर भी एक शेयर करूंगा, आप वहां से भी सोर्सिंग कर सकते हैं उससे भी। और आपको एक तरीका ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर सोर्सिंग किस तरह फेसबुक के साथ कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये जो आपने खोला हुआ है ये जरा ये मुझे माइक किसका होना बताइएगा, है, सबसे पहले ये माइक अपने बंद कर लें। जी, तो ये अपना रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, रिकॉर्ड आप तब भी देख सकते हैं, दोबारा गेन देख सकते हैं। ये मैं कह रहा था कि सबसे पहले आपने आ जाना फेसबुक में। फेसबुक में आने के बाद ना आपने मोबाइल पर करेंगे तो आपको इजी लगेगा, आसान तरीका मोबाइल से ही आप करना होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है दराज होलसेलर ग्रुप। यहाँ पर आपके सामने होलसेल के जितने भी ग्रुप आ जाएंगे ना, ये प्रोडक्ट सेल करते हैं होलसेल रेट में। तो आपने सिंपल इन ग्रुप को ओपन करके ज्वाइन करते जाना है। जिस तरह हम इस ग्रुप में आ गए और इस बंदे ने यहाँ पर टेक्स्ट किया हुआ कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए होलसेल रेट पर, ये साथ में इसने इसकी पिक्चर शेयर की है और 41 लोगों ने इसे मैसेज किया है, भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है होलसेल रेट में ले सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट आपने मार्केट में नहीं जाना, प्रोडक्ट तो आपको घर बैठे ही प्रोडक्ट चाहिए ना, तो आप इस तरह सिंपल है, आप प्रोडक्ट की पिक्चर उठाएं और दराज ग्रुप में आने के बाद ना यहाँ पर पेस्ट कर दें और ऊपर लिख दें मुझे ये प्रोडक्ट होलसेल रेट में चाहिए। और आप जिन जिन लोगों के पास पड़ी होगी ना ये प्रोडक्ट, तो आपको मैसेज कर देंगे, आप इनके मैसेंजर में जाना और इनसे बातचीत करके ना ये प्रोडक्ट अपना एड्रेस इनको देना और अपनी प्रोडक्ट आपके आपको घर बैठे ही प्रोडक्ट ये मिल जाएगी। इतनी समझ आपको आ गई है जी, बताए मुझे। जी, भाईजान बिल्कुल अब समझ आ गई है। ये हमें फेसबुक पेज के ऊपर वो ग्रुप्स को ढूंढ के जी, उनमें जो है वो उनके साथ कांटेक्ट करना है। मतलब इस तरह हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगी तो हमें इसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है ताकि ग्रुप वालों को अपडेट मिल जाए और फिर जिसके पास होगी वो हमसे कांटेक्ट कर ये भी तरीका है। लेगा। और आपको मैं और भी दिखाऊंगा, तेरा नंबर के आपको नंबर भी एक शेयर करूंगा, वो लाहौर का ही बंदा है और आप उससे भी ले सकते हैं प्रोडक्ट। और क्वेश्चन जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो। नहीं, फिल वक्त तो नहीं है। जजाकअल्लाह, आगे बढ़े। जी, तो इतनी आपको समझ आ गई है कि किस तरह हम फेसबुक से, अब मैं आपको ना नंबर सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ये भी करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और ग्रुप में मैं मैसेज कर देता हूँ आपको नंबर। ग्रुप में आपको ये नंबर सेंड कर दिया, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप इससे ले सकते हैं जी। ये मैंने शेयर कर दिया, ये आपके सामने जी, आपका आ गया या नहीं आया टैक्स।
चेक करें। जी भाई जान, आ गया मोहम्मद से क्लैन के नाम का, ऐसे ही जी, ये आप यानी यहाँ से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, आप इससे ले सकते हैं होलसेल रेट पर ही। आप डेली बाई डेली ना ये आपको ना प्रोडक्ट शेयर करता जाएगा, भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये आपको रोज ही ना शेयर करता जाएगा, ब्रॉडकास्ट में आपके सामने ना प्रोडक्ट शो होती जाएगी इसकी। जी और कोई क्वेश्चन? जी इसके बाद आपने आपने पूछा था कि किस तरह हम हमें शॉपिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम सीखेंगे फेसबुक ऐड, और उसके बाद सीखेंगे व्हाट्सएप ऐड, और उसके बाद सीखेंगे टिकटॉक, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी है ना सोशल, जो बहुत सारी अवाम है ना वो सोशल पैकेज लगाती है, जो होता है ना फेसबुक का, जब हम फेसबुक का सिर्फ पैकेज लगाती है, जब वो ऐड उनके सामने शो होता है, वो ऐड को ओपन करती है ना, लोग ऐड को ओपन करते हैं तो वो उनकी वेबसाइट तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने पैकेज ही सोशल व्हाट्सएप फेसबुक का लगाया होता है, तो उनकी वेबसाइट तक जा ही नहीं पाते। अगर आप टिकटॉक पर ऐड रन करते हो ना, तो लोगों ने टिकटॉक इंटरनेट का ऑल पैकेज लगाया होता है, तो वो वहां से ना सिंपल आपकी वेबसाइट पर लोग चले जाते हैं। टिकटॉक पर ज्यादा ऑर्डर आते हैं, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर कम ऑर्डर आते हैं, टिकटॉक पर ज्यादा ऑर्डर आते हैं। तो सिंपल आप ज्यादा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा टिकटॉक पर आप ऐड रन करें। और सब एक तो आप चेक, आपको चाहिए टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, और उसके बाद आपको चाहिए शॉपिफाई स्टोर चाहिए। जी जितनी आपको समझ आ गई है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा हबीब भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि कांगी जरैन की कॉस्ट भी साथ में जरा डिस्क्राइब कर जी मैं दे, आपको मतलब ना नंबर एक उसकी। जी मैं आपको ना नंबर एक ग्रुप में शेयर करूंगा टिकटॉक एजेंसी का अकाउंट, जहां से आप बाय कर सकते हैं, और इसमें ना मिनिमम टॉपअप भी $10 का है। आपने एक होता है अकाउंट, $20 मिनिमम आपने रखने हैं, तब आप ऐड रन कर सकते हैं। इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नया पे, सादा पे, जो भी आपके पास कार्ड है ना, उसे आप मिनिमम $10 आप रख सकते हैं और अपना ऐड रन कर सकते हैं। ये नहीं कि $10 का ही ऐड रन होगा, आपने एक दफा $10 रख दिए, उस पर आप टिकटॉक पर $1 का ऐड रन कर ले, $2 का कर ले, $3, जब आपका $10 खत्म हो जाएंगे, फिर आप $10 टिकटॉक एजेंसी का अकाउंट में आप रख सकते हैं। इस तरह टिकटॉक अकाउंट चलता है, और इसमें मिनिमम $10 का टॉपअप है, कोई मुश्किल नहीं है आपका कौन सा एक, अगर हाँ अगर आप एक एक दफा $10 एक प्रोडक्ट पर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, अगर आप $1 लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। हम सब कुछ प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, किस तरह फेसबुक पर ऐड रन करते हैं, टिकटॉक पर करते हैं, और व्हाट्सएप पर करते हैं। अच्छा हबीब भाई, मेरा एक सवाल था कि जी ये तो आपने बता दिया कि इसके ऊपर डॉलर्स हमारे कॉस्ट लगेगी डॉलर्स में, तो काइंडली ये भी बता दें कि $1 में मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होगा हमारी ऐड का, और वो मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कितने लोगों तक पहुंचाई जाएगी जी ये जिधर। ना जितनी प्राइस आप ज्यादा रखेंगे ना, उतने लोगों को आप जितना आप बजट ज्यादा रखेंगे ना, तो उतने लोगों को ज्यादा आपका आपकी प्रोडक्ट दिखाई जाएगी। $1 रखेंगे तो आपको उसी हिसाब से, जब हम ऐड रन करते हैं ना, तो सिंपल आपके सामने शो होता है सब कुछ, तो हम ना एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरह होता है ये काम। यहाँ पर मैं अपने न्यू टाइप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ, ये मुझे बता रहे हैं, जी जी भाई जान, हो रही है। यहाँ पर एक मिनट मैं अपनी न्यू टाइप ओपन कर, इधर है जी, अब हो रही है शो। जी जी सर, मुझे तो हो रही है। इसे लॉगिन करते हैं और देखते हैं किस तरह। हम फेसबुक पर भी सीखेंगे और व्हाट्सएप पर भी सीखेंगे, टिकटॉक पर भी सीखेंगे। हम फेसबुक पर आपको मैं शो करवा देता हूँ किस तरह, जब जितना ज्यादा आप बजट रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपका ना ऑडियंस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, मैं अब ज्यादातर टिकटॉक पर करता हूँ, क्योंकि फेसबुक पर
मैं नहीं करना, ये सारे सारे ना रिस्ट्रिक्ट बहुत कर देता है फेसबुक। मेरी 12 आईडीज बंद हुई थी, लेकिन ये अभी तक तो चल रही है, लेकिन मैं ना अब इस पे कर नहीं रहा, ऐड इन करता नहीं। टिकटॉक पर ज्यादा ऑडियंस आजकल आती है। यहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, क्रिएट ऐड का आता है ऑप्शन, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इधर ही चले, जी ये इस तरह का ना आपके सामने डैशबोर्ड शो होता है एड मैनेजर का। ये सब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, किस तरह इसमें इवेंट वगैरह ऐड करते हैं और किस तरह एड मैनेजर में जाते हैं, किस और भी इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह शॉपिफाई के साथ डोमेन कनेक्ट करते हैं, बहुत प्रोसेस है। और क्रिएट ऐड में हम आएंगे सिंपल, क्रिएट ऐड में आने के बाद ये एक पूरा लेक्चर होगा। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहना कि हम मैं समझ नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ऑडियंस शो होती है। यहाँ पर हम बजट जितना ज्यादा बजट रखेंगे उतनी ज्यादा ऑडियंस में शो होगी। ये चेक कर सकते हैं आप, आपको रीच नजर आ रहा है ना, शो हो रहा है आपके सामने रीच, ये मुझे बताएं एकदम। जी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है एड मैनेजर की। जी तो जी इधर रीच आपके सामने शो हो रहा है ना, और इसका बजट कितना, तकरीबन 2100 है ये आपके साथ बजट, और बजट में 2100 मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक 2100 सेलेक्ट होता है। 2100 रुपये अगर आप स्पेंड करेंगे ना तो आपको 10 ऑर्डर आएंगे, और आपके 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये नहीं कि 10 ही आपको ऑर्डर आएंगे, लेकिन मिनिमम जो ऑर्डर है ना आपको 10 ऑर्डर आएंगे, और 5,000 से लेके 15,000 लोग आपके आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। यहाँ पर हम बजट अगर ज्यादा करें तो, अगर हम 4,000 कर लें तो ये चेक कर सकते, 3 से लेके 10 तक। ये सिर्फ इतना, ये ऑर्डर ज्यादा आते हैं, लेकिन ये सिर्फ शो इतने कर रहा है। और ये चेक कर सकते, 28,000 लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, 9,000 से लेके 28,000 लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, अगर आप 4,000 बजट रखना चाहते हैं तो। जी आपको समझ आ गया किस तरह, अगर आप बजट ज्यादा रखेंगे तो आपका आपकी प्रोडक्ट को आवाम ज्यादा देखेगी, ऑडियंस ज्यादा देखेगी। अगर आप बजट ही कम रखोगे तो आपको ऑर्डर ही कम आने हैं ना, $1 में अब एक भी ऑर्डर नहीं मुझे तो लगता आना है, तकरीबन 3 या 4 डॉलर मिनिमम आपका होना चाहिए एक प्रोडक्ट का एक एड स्पेंड। जी आपको इतनी समझ आ गई है। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा हबीब भाई। अगर फर्ज करें, ये तो हमें सिस्टम बता रहा है ना, कैलकुलेट करके, कि आपका अगर बजट इतना होगा तो आपको इतने ऑर्डर जाएंगे। फर्ज करें हमें नहीं ऑर्डर आते तो जी ये क्यों नहीं आते, आते हैं, सारी आवाम को आ रही है, सारी पाकिस्तान आवाम कर रही है, उनको आ रहे हैं, और आप हमें क्यों नहीं आने, हम कौन सा दुनिया से अलग कर रहे हैं। हमने भी फेसबुक, तीन ही प्लेटफॉर्म है सिर्फ, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक, यहाँ पर ही सारी ऑडियंस को ऑर्डर मिल रहे हैं, अब जितने भी सेलर है, और हमें भी तो यहाँ से ये मिलेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है, अगर ठीक है। इसके यानी अलावा कि कोई भी होता आपको प्लेटफॉर्म तो हम कह सकते थे कि इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर नहीं मिलते। अगर आपने फेसबुक स्क्रॉल किया हो तो आपके सामने ऐड बहुत सारे शो होते हैं, अगर आपने टिकटॉक किया हो तो आपके सामने बहुत सारे ऐड शो होते हैं। वो भी दो प्लेटफॉर्म है सिंपल, फेसबुक है और टिकटॉक है, यहाँ से ही सारी वहाँ ऑर्डर ले रही है, हमने कौन सा अलग से लिया। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, जी इंटरनेशनल में, नेशनल जी में जी मतलब हमारी जो पोस्ट रीच्ड है, मतलब जो पहुंचेगी हमारी पोस्ट वो जी नेशनल लोगों तक ही पहुंचेगी, मतलब जी हमने नेशनल नेशनल मतलब। जी, मैं समझ गया, हाँ हमने नेशनल में करना है ना, पाकिस्तान में सिर्फ लोकल, इसे कहते हैं लोकल, हमने लोकल करना है, इंटरनेशनल नहीं करना। इंटरनेशनल करने के लिए आपका बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, उस अगर आप नेशनल में ही कामयाब नहीं होते तो आप इंटरनेशनल में किस तरह हो जाएंगे। पहले हम स्टार्टअप छोटे से लेना चाहिए, इस तरह नहीं, आप वो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे करना बहुत मुश्किल होता है, और टू उसमें अकाउंट जो है ना, पेमेंट मेथड ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना नेशनल, ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में, बहुत लोगों का इसमें ऑर्डर आ रहा है, मिलियन बिलियन यहाँ से ही बन गए हैं नेशनल से। बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि
मतलब हमारे अकाउंट को रन करने में मतलब मुमकिन है कि थोड़ा वक्त दरकार होगा, तो मतलब समझा नहीं। मैंने ये कहा है कि देखिए हम ये भी हम एक ऑनलाइन दुकान ही डाल रहे हैं ना, दुकान जी, बना रहे हैं, ऑनलाइन दुकान ही डाल रहे हैं। तो ये जो हमारी एड्स होंगी ये हमारी मार्केटिंग करेंगी, ऐसे ही है जी लोगों जी तक पहुंचेंगी। जी जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक दिन का हमारा एड स्पेंड आ रहा है 4 डॉलर 5 डॉलर, ठीक जी जी है, तो मतलब हमें कितनी देर में ऑर्डर मिल जाएगा, ये मैं आपसे जी कंफर्म मतलब ये जी जी सवाल जी है। जी ये एक दिन का होता है सिर्फ, जब भी आपने ऑर्डर ये ऐड ऑन करना है ना, यहाँ से ऑटोमेटिक एक दिन का होता है। ज्यादातर लोग भी ना एक दिन का ही चलाते हैं। अगर यहाँ पर आपके बजट के नीचे शो हो रहा है ना स्टार्ट डेट, यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा करनी है तो ज्यादा, अगर 30 है ना, आज 30 है, अगर आज इस टाइम हम ऐड एक्टिव कर देंगे ना, कल इस टाइम तक ऐड ने ऑटोमेटिक ही बंद हो जाना है। आपके पेमेंट जो आपने 4,000 स्पेंड करनी है ना, वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट आपके कार्ड से हो जानी है। और आपको ऑर्डर इतने जिन आ जाएंगे, 10 से ज्यादा ही ऑर्डर आएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बताया हुआ है 28,000 लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। और आपको ऑर्डर तकरीबन तकरीबन ना व्हाट्सएप, ये सिर्फ इन्होंने बताया कि फेसबुक से इतने व्हाट्सएप आएंगे। आपने नंबर भी तो ऐड करना है ना, जो भी आपने एड रन करना है वहां पर हम नीचे अपना नंबर भी देते हैं, और नंबर पर भी ऑर्डर आ जाते हैं, व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर आते हैं। हम जब वेबसाइट लेते हैं ना, बनवा किसी से क्रिएट करवाते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, वहां पर भी हमें 5 या 6 ऑर्डर आ जाते हैं। तकरीबन ना 4,000 के बजट में हमें 15 ऑर्डर या 20 ऑर्डर आ जाते हैं। सही हो गया। जी 15-20 ऑर्डर का आप, अच्छा जी 15-20 ऑर्डर का आप हिसाब लगा सकते हैं। एक जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉफिट हमने मिनिमम 900 होना चाहिए प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट का सोर्स भी कम हो, प्रॉफिट हमारी प्रोडक्ट में ज्यादा हो, 800 से 1200 तक हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए, इतना ये ऐसी प्रोडक्ट आपने हंट करनी है। और एक प्रोडक्ट का हम 800 भी लगा लें तो कितना बनता है, अगर 15 प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं हमारा कॉस्ट भी निकल जाएगी एड की, बाकी हमारा प्रॉफिट कितना बन जाता है, क्या आप हिसाब लगा सकते हैं। जी सही, बिल्कुल ठीक। जी जी अच्छा, और वो अभी आपने एक वर्ड बोला बातों में कि हम जो साइट क्रिएट करवाएंगे, तो जी जी मैंने सुबह आपसे ये सवाल किया था कि मतलब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपने दो चीज़ें बताई हैं, एक हमें जो है वो शॉपिफाई का प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, जी जी एजेंसी और एक हमें टिकटॉक ऐड चलाने के लिए उसका अकाउंट चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। जी जी एजेंसी ऐसे ही अकाउंट है, चाहिए, ऐसा ही है सिर्फ, बिल्कुल दो ठीक चीजें है। आपको सिर्फ चाहिए, बाकी तीसरी अब चीज तो हम हमारे पास ही है ना, व्हाट्सएप और फेसबुक तो हमारे पास ही है ना, बाकी नेक्स्ट दो स्टेप पे चीज। चलते हैं। जी एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी जो आपने वेबसाइट क्रिएट करने का भी बताया, भी बोला, जो जी उसके जी बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें, हाउ टू मेक, मतलब वो कौन बनाएगा और उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, काइंडली जी वो एक उसकी जरा जी जी एक्सप्लेनेशन जी दे मैं दें। आपकी बात समझ गया हूँ। एक होती है फ्री की वेबसाइट, जो मैं आपको शेयर यहाँ पर प्रैक्टिकल करते, वेबसाइट यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं आपके सामने शेयर करवाता हूँ आपको, ये स्टोर का मैं आपको बताने लगा हूँ। ये इधर शो नहीं हो रही तो मैं आपको एक और, जी ये स्टोर है, ये एक लोकल स्टोर है सिर्फ, जिसे कहते हैं ना लोकल स्टोर वो है, और प्रोफेशनल स्टोर मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये भी शॉपिफाई का स्टोर है और ये भी शॉपिफाई का स्टोर है। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आप ऊपर देखें माई स्टोर आ रहा है ना, और इसके इसके ब्रांड का नेम आ रहा है प्रोफेशनल, और फ्री में, फ्री वाले स्टोर में आपको पता चल गया होगा, फ्री वाले स्टोर में कहीं पर इसका ये चूज ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इसने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं सही तरह से की, कहीं पर इसका बहुत सारे ऑप्शन नीचे इसने ना कोई डिटेल्स वगैरह आ रही है, ना ही व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर आप चेक कर लें, ये इसका नंबर ऊपर भी आ रहा है, ये चेक करें इसका वेबसाइट का नंबर भी ऊपर आ रहा है, जीमेल भी आ रही है वहां, यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ आ रहा है, और ये जो टॉप कलेक्शन है सब कुछ ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं।
ये नीचे आपका इसका डैशबोर्ड ही आप चेक कर सकते हैं, प्रोफेशनल में ज्यादा ऑर्डर आएंगे या फ्री वाले में आएंगे, ये आप मुझे एक दफा बताए ना जी। देखें प्रोफेशनल में आएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्रोफेशनल हम वेबसाइट कितने में बनेगी, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है जी और मैं ना कौन बनाएगा, ये मैं पूछना चाह रहा जी जी मैं था। आपको ना एक नंबर सेंड करूंगा, आप ना उधर से बनवा सकते हैं, वो प्रेफर है, और उससे ही आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी ले सकते हैं। मिनिमम $10 का टॉप अप है, और वो आपको बता देगा कितने में देता है वो वेबसाइट और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, वो आपको सब कुछ बता देगा डिटेल के साथ। अगर आपने लेनी हो तो आप उससे ले लेना, बाकी आपकी अगर आपने तो बिजनेस करना है ना तो आप प्रोफेशनल करें। एक दफा आपको इन्वेस्टमेंट, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि आपके इन्वेस्टमेंट तो लगेगी 20,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। दो तरह के ड्रॉप शिपिंग आपको मैंने सिखा रहा हूँ ना, एक तो होगी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे खुद, और दूसरी होगी कि आपने कल वाली क्लास ली होगी किस तरह HR और HSC और मर्केज के साथ काम करना है। आपको ना प्रोडक्ट बाय करनी, ना पैकिंग शिपिंग, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ऑर्डर लेने हैं अपनी वेबसाइट पर लेने हैं, और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 20,000 या इतना आपका, 20,000 22,000 में सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह की वेबसाइट भी प्रोफेशनल, और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है ना वो आपको ना यहाँ पर ऐड करके वो देंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है 4 या 5 वो प्रोडक्ट आपको ऐड करके देंगे, और उसके बाद टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी वो आपको क्रिएट करके देंगे गारंटी के साथ जी। ठीक हो गया, सही, जी जबरदस्त। मैं एक और सवाल था मेरा, आज जी जी तो खैर काफी मजा भी आ रहा है बातचीत करने में, क्योंकि ये सब चीजें सीखने वाली है ना, जी सीखने तो वाली, आपका आप भी जो भी वक्त बहुत क्वेश्चन है ना आप बहुत मुझे पूछ कीमती। सकते हैं हाँ, जी आपका भी वक्त बहुत कीमती है, और जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लासमेट्स, जी जी उनका भी वक्त, जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा अपना टाइम निकाल के ही हमारे साथ ज्वाइन करता है। अच्छा, मैं जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मतलब साइट बन जाएगी, साइट बनने के बाद ये तो हो गया ना, प्रोफेशनल के सब काम हमें खुद करने होंगे, ऐसे ही है। कल बात हो रही थी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, जी 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 जो लास्ट वाले में आपने बात की थी कुछ, जी लास्ट कोई 10 से 15 मिनट में, जी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो जो हमारी ड्रॉप शिपिंग होगी, मतलब हमने सिर्फ एडसेंस के ऊपर पैसा खर्च करना है और ऑर्डर रिसीव करना है, बाकी सब जी वो जी काम करेंगे, जी तो उसमें हाँ प्रॉफिट जी, की रेशियो क्या बन जाएगी, प्रॉफिट वो आपकी मुझे थोड़ा प्रोडक्ट, सा। जी जी आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना, अगर आप कितना सस्ती प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, और आपकी बजट जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की आपने आई हंट करनी है ना, वो तो आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिलेगी ना। एक यहाँ पर एक सिंपल बात है कि आपने टिकटॉक, ये तो नहीं आपको टिकटॉक एजेंसी का आपने लिंक भी तो प्रोडक्ट का शास में शेयर करना है ना, जब आपने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बाय कर लिया, और उसके बाद आपको एक एड रन करने के लिए एक लिंक की जरूरत होती है, जिस तरह इस प्रोडक्ट का हमने एड रन करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरह का तो नहीं ना टिकटॉक एजेंसी अकाउंट में ऐसे ही एड रन हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट ओपन करने, प्रोडक्ट का आपने टाइटल भी, हम प्रैक्टिकल सब कुछ सीखेंगे, तो प्रोडक्ट का आपने टाइटल कॉपी करके वो एड एड एजेंसी अकाउंट में ना पेस्ट कर देना, और एड को पब्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर आएंगे ना वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, वेबसाइट पर आपको ऑर्डर आएंगे और सब कुछ शो होगा वेबसाइट पर ही आपकी, और यहाँ पर आप यहाँ से आपको वो जो आपको ऑर्डर आए होंगे ना उनका नंबर वगैरह सब कुछ एड्रेस कॉपी करके वेबसाइट पर जाके पेस्ट कर सकते हैं। और जो रही बात के प्रॉफिट की, वो तो आपने प्रोडक्ट जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया कि सोर्स आपने फाइंड करना है कि कम से कम सोर्स हो, प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, सोर्स प्राइस कम से कम हो, और जो है सेल प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट भी हमारा 1,000 बन जाए, 800 बन जाए, इतना प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए एक प्रोडक्ट में से। जी सही है, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब मैं एक और सवाल था कि ड्रॉप शिपिंग में और अपना काम करने में, यानी कि ये जो प्रोफेशनल साइट और अकाउंट वगैरह, ये मैं ये सोच रहा हूँ, अभी आपकी बातों से मुझे यही पता चला है कि इन दोनों के लिए, दोनों काम करने के लिए हमें इनकी जरूरत होगी, एक वेबसाइट की और अकाउंट्स की, राइट? जी, दोनों में ही आपको वेबसाइट और अकाउंट की जरूरत तो आपको पड़ेगी, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग हाँ आप जी, HR और HSC के साथ करेंगे, इसमें आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। अगर आपने करने अपना काम हाँ करना है ना तो उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन अब जब आप प्रोडक्ट बाय करके करेंगे ना, प्रोडक्ट खुद बाय करेंगे प्रोडक्ट, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये आप तो बात समझ लेना, प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा जब आप खुद प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो।
बिल्कुल सही हो गया। अब ये क्लियर हो गई है ये बात जी कि जी हमें ये तो इन मैं दो चीजों की तरीके जरूरत है ही है। जी, ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा था कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वो प्रोडक्ट बाय ना करें, वो एचआर और एचएससी और मरकज के साथ जाके ऑर्डर अपना फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है ना वो खुद काम करने में, जितना मजा आता है ना आप खुद प्रोडक्ट, आपको एक भी होता है ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को भी पता चलेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, और खुद आपके पास कुरियर वाला आए और आपसे ऑर्डर लेके जाए, लोग भी देखे भाई ये बिजनेस कर रहा है, इसे कहते हैं बिजनेस। और अगर आपने सिर्फ गुजारा ही करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो फिर आपको बताइए आगे। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। असल ना एक्चुअली ये ज्यादातर स्टूडेंट्स टाइप लोग स्टार्ट करते हैं, जी तो उनके लिए मतलब जो है वो मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा हूँ, मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जी तो इन्वेस्टमेंट तो हो तो खुद सेलिंग परचेजिंग करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा जी जी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। जी लेकिन इसमें ये है कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको टाइम देना है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर जी सकते जी हैं, लाइक एक माइनर स्टूडेंट की तरह, बिल्कुल जी आप एक कर छोटे सकते से हैं जी स्टूडेंट की तरह। जी आपको अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, अगर आपके आप खुद भी करना चाहते हैं ना प्रोडक्ट बाय करके, उसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, 20-22 हज़ार में आपका टिकटॉक और वेबसाइट रेडी हो जानी है, उसके बाद आपको कौन सी प्रोडक्ट इतनी महंगी आती है, इसकी सेल प्राइस जितनी भी प्रोडक्ट आप देखेंगे ना, इनकी सेल प्राइस है 1500 लेके और 2500 तक की सेल प्राइस है ज्यादातर प्रोडक्ट की, और ये इसका इनका सोर्स पता है आपको कितना, 600 300 इतना सोर्स प्राइस है प्रोडक्ट की। अगर आप 10 10 पीस भी अगर आप मंगवा लें ना इन प्रोडक्ट की, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, सिर्फ आपका 10 हज़ार से काम स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन इतने से हो जाता है, आराम से आपका काम स्टार्ट हो जाता है, और आस्ता आस्ता बाद में आप जब आपको ऑर्डर आते जाए और आप क्वान्टिटी इंक्रीज करते जाना। बिल्कुल सही। एक और बात, जब हमें ऑर्डर आएगा और जी उसको ऑर्डर को पिक करने से डिलीवर करने तक कितना जी टाइम होगा टोटल, जी मतलब तकरीबन जी, मैं समझ गया आपकी बात, तकरीबन आपका ना ये तकरीबन 5 या 4 दिन मिनिमम आपके लग जाते हैं इतने। ये मेरा अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये किधर गया है, ये मेरा अकाउंट है, इस तरह आपका कोरियर अकाउंट शो होगा, सब कुछ मैंने कहा कि प्रैक्टिकल आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सारा कुछ मेरा रेडी है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ काम, इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज दिखाऊंगा, टिकटॉक व्हाट्सएप सब कुछ ही A to Z हम प्रैक्टिकली करेंगे। इस तरह का आपका कॉल कोरियर का अकाउंट शो होता है, हम कई ये सिर्फ आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ना फेसबुक व्हाट्सएप ये कॉल कोरियर, ये हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा हूँ। इस तरह का आपका डैशबोर्ड होगा, अकाउंट आपने बनवाना है, एक दिन में आपका ये अकाउंट बन जाता है, 1-2 दिन में आपका अकाउंट बन जाता है कॉल कोरियर का, और यहाँ पर आपके ऑर्डर शो होते हैं, ऑर्डर स्टेट जितने आपके चले गए हैं और जितने आपके सब कुछ यहाँ पर आपका शो होता है, और यहाँ पर कंप्लेन अगर आप इनको करना चाहते हैं वो भी, हम ना सब कुछ A to Z सारी एक लेक्चर, ये हर चीज का एक एक लेक्चर होगा, ये तो सिर्फ मैं वैसे ही ऊपर डैशबोर्ड इनका दिखा रहा हूँ कि मेरे मैं कर रहा हूँ काम, खुद भी कर रहा हूँ इन पर, जी मेरे जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्त सही है। तो बाकी इसके जी। मुतल्लिक, कॉल कुरियर के मुतल्लिक जो सवाल होंगे वो हम इसके लेक्चर में ही उनके बारे में डिस्कस जी करेंगे हम तो इसका अलग बढ़िया लेक्चर रहेगा। रखेंगे ना, इसका अलग लेक्चर रखेंगे, और उसके बाद इनका अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो भी करेंगे, हर सिटी का अलग अलग होता है, ये यहाँ पर आप अभी भी आप कर सकते हैं, लेक्चर के बाद आप सर्च कर सकते हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं ना वहाँ पर सर्च कर दे कॉल कोरियर अकाउंट, अपनी सिटी का आगे नाम लिख लें और उनका नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, भाई हमें हमारा अकाउंट बना दें, आप उनको जीमेल अपनी देना और आपका एक विदिन 2 या 3 दिन में आपका अकाउंट बन जाएगा, ये हम प्रैक्टिकल सीखेंगे सब कुछ जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। जी। ये 4 मिनट रह गए हैं क्लास के, और आप जब बता कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कभी भाई के लिए अच्छी बात शायद सुबह आपने दो क्लासेस के बारे में बताया था, ये बताया जी एक जो है वो जी 2 क्लासेस के, वो वैसे बताया था कि अगर क्लास लंबी हो जाए, सब कुछ मैंने इसी क्लास में बता दिया है ना, सोर्सिंग किस तरह करनी है फेसबुक पे, वो तो मैनुअल बिल्कुल बताया था ना, बिल्कुल। लेकिन अब प्रैक्टिकल करके देखा है तो ये 40 मिनट में दोनों अच्छा काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी कि ये जो हमारी एड्स चलेंगी, जी। ये जो हमारी एड्स चलेंगी वो लाइक पिक्चर्स होंगी या फिर लाइक वीडियो?
नहीं, आपने कभी भी पिक्चर वाला एड रन ही नहीं करना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। पहला लाइब्रेरी में आपने जाना है, हम सब कुछ प्रैक्टिकली सीख। जी जी पहले बिल्कुल। एड लाइब्रेरी, एड यहाँ पर एड, हम इसे ओपन कर लेते। कोई भी आपने एड देख लेना, कोई भी किसी ने भी पिक्चर जो व्हाट्सएप पर है ना, वो हाँ पिक्चर अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो भी ना एड सेट बना के एड सेट में पिक्चर अपलोड करते हैं, एड में पिक्चर नहीं अपलोड करते हैं, वो वीडियो ही करते हैं। ज्यादातर लोग नहीं, 90% लोग वीडियो अपलोड करते हैं, ज्यादा लोग। जब आप वीडियो अपलोड ये चेक कर सकते हैं, सब नए वीडियो अपलोड की हुई है ज्यादातर लोगों ने। ये व्हाट्सएप है ना, सेंड मैसेज मैसेंजर पे इसने एड रन किया हुआ है। व्हाट्सएप का भी ऑप्शन होता है और मैसेंजर का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर इसने पिक्चर शो की हुई है और इन्होंने एड सेट बनाए होते हैं, पिक्चर भी अपलोड कर देते हैं, वीडियो भी कर देते हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ पिक्चर ही कर दी, तो लोगों को क्या पता चलेगा इसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह ये यूज कर दिया इन्होंने। जब अब आप वीडियो प्रॉपर वीडियो सेंड करेंगे एड में, तो उन लोगों को पता चलेगा भाई ये इस तरह का यूज है इसका, और लोग ज्यादा एक्टिव होंगे आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। ये आप अच्छा इजीली एक चेक कर और, सकते हैं सब कुछ वीडियो ही है। मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर फर्ज करें मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, जी, तो मेरा कोई सोर्स है जो आउट ऑफ कंट्री है, क्या मैं यहाँ से बैठकर उसके लिए जो है वो जनरेट कर सकता हूँ ट्रैफिक, बाय करने वाली मतलब कस्टमर क्लाइंट्स यहां से बैठकर जनरेट कर सकता हूं मैं, नहीं ये अगर आप, बताइएगा जरा। जी बहुत मुश्किल है उधर करना जब आपके पास अकाउंट ही नहीं होता। ये शॉपिफाई अकाउंट के अंदर ना एक और पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है ऐड करना। लोकल में होता है, लोकल में आजकल बहुत सेलिंग हो रही है और इंटरनेशनल भी हो रही है, लेकिन उधर ना आपका जो, यहाँ पर अगर आपका एड बजट कम है और यहाँ पर ये आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप इंटरनेशनल में कहाँ किस तरह ले सकते हैं। पहले आप ट्रेनिंग ले यहाँ पर, मतलब खुद काम करें इंटरनेशनल में करें। अगर आप, आपको पता है कि मैं नेशनल में ऑर्डर ले सकता हूँ, तो बाद में आप इंटरनेशनल में चले जाएं। अगर आप नेशनल में ही नहीं ले सकते ऑर्डर, तो आप इंटरनेशनल में किस तरह लेंगे, ये बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो अच्छा, जिस तरह हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर, मतलब मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, पाकिस्तान का नेशनलिटी होल्डर हूँ, अगर कोई जी बाहर बंदा बैठा हो तो वो उस हिसाब से उधर का नेशनल हो गया ना, लोकल हो गया। जी जी वो उधर हो गया, उधर का लोकल हो गया, हम इधर के हाँ, नहीं। वो उधर की, मेरी बात सुनिए, जिस तरह हम सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो वो हमसे मांगते हैं, इसी तरह वो बंदा उधर बैठ के लोकल काम कर सकता है, जी, कर जो सकता मुझे है, आपकी बात, इजीली कर सकता है, मैं नहीं इजीली कर कर सकता है। सकता, मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है वहां पे बैठ के खुद काम कर सकता जी है, जी वो खुद राइट। कर सकता है, इजीली कर सकता है काम, क्योंकि उधर नेशनल हो हाँ गया ना, उधर चला गया आउट ऑफ कंट्री चला गया, उधर नेशनल है वो। हाँ क्योंकि वो सारी सेलिंग परचेजिंग वो खुद कर सकता है वहां जी पे, जी वो खुद कर सकता है, जिस ये तरह हम बात यहाँ से भी ठीक सॉर्स करेंगे इस तरह वो वहां से कर सकता है, खुद बाय हैंड डिलीवर भी कर सकता है, और जो है वो कैश रिसीव भी कर सकता है, या जो भी उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट के थ्रू, या जो भी उनका पेमेंट मेथड शेड्यूल है। जी, ये भी सब कुछ कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया। ये मेरे फोन पे तो 1 मिनट ऊपर चला गया है, चले। चलिए।